क्या आपके भी बैंगन के पौधों के फूल झड़ जाते हैं या कीड़ा लग जाता है, ज़्यादा बैंगन नहीं आते, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल, मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो बैंगन की कंप्लीट केयर वाला वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बैंगन का पौधा है, इसकी ये पत्ती नीचे मिट्टी में लग रही है, इसलिए मैंने उतार दी है। और गमले में है क्या, ये सब खाद है, कंपोस्ट। उसकी एक लेयर है। गर्मियों में कंपोस्ट को इस तरह से डालेंगे तो मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती है और नमी बनी रहती है मिट्टी के अंदर। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैंगन के फूल जो हैं वो गुच्छों में आते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे ये गुच्छा दिख रहा है, तो तीन या चार के गुच्छे में जब फूल आएंगे उसमें से एक ही फूल है जो बैंगन बनने वाला है, बाकी के फूल सूख जाएंगे या झड़ जाएंगे। तो फूल झड़ने हैं। अब ये देखो, इस गुच्छे में सिर्फ एक फूल है जो बैंगन बना है। यहाँ पे भी देखो, गुच्छे में कलियाँ आ रही हैं। फूल के अंदर ये देख रहे हो, हरा वाला पार्ट है, इस तरह से हरा हरा आ रहा है, मतलब कि ये स्टिग्मा है, ये फीमेल पार्ट है, मादा फूल है, ये बैंगन बनेगा। यहाँ पर भी देख रहे हो, ये बैंगन बनेगा। अब ये बात तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। सब्जियों से डेंजरस कीड़ों को दूर भगाने के लिए लहसुन लगाइए। ये सब लहसुन है, देखिए, दिस इज़ ऑल गार्लिक, और नीचे बल्ब बन भी गया है काफ़ी, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा टाइम इसे देना चाहती हूँ, इसलिए पूरा नहीं निकालूंगी। काफ़ी मोटे वाले गार्लिक्स मिलते हैं मुझे, इनके कारण बैंगन में कीड़ा नहीं लगता। और भी सब्जियां जो हैं, सर्दी की सब्जियां भी बची रहती हैं। बैंगन की देखभाल वाला वीडियो आप देखते जाइए, क्योंकि आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए। पिछले हफ्ते जो वीडियो था वो आपके ही सवालों के जवाब दिए थे मैंने, आस्क चेतना सीरीज़ का वीडियो था वो, और उसमें जो जवाब थे वो थे, प्याज का हार्वेस्ट था यानी अनियन का हार्वेस्ट, और मोगरा के फूल दिखाए थे मैंने। तो कुछ शाउटआउट्स देना चाहती हूँ मैं। नंदिनी राजस्थान से, ओवी लखनऊ से, अनुरंजिता झारखंड से, इंदु रावत वेस्ट बंगाल से, बहुत बहुत बधाई हो। अब ये पत्तियाँ जो आप देख रहे हैं परफेक्टली हेल्दी है। इसके ऊपर ये जो आप राख गिरी हुई देख रहे हैं, क्योंकि घर के पास खेत हैं और किसान इस मौसम में खेत में आग लगाते ही हैं। बहुत सी गवर्नमेंट ने बहुत सा ट्राई किया है। ये वेजिटेबल पैच के बैंगन के पौधे हैं। हर बैंगन के पौधे में इस वक्त मुझे दिख रहा था एक एक दो दो बैंगन आए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको भी। वैसे एक बात बताऊं, गमलों के कंपैरिजन में ज़मीन में बैंगन के पौधे पे ज़्यादा कीड़ा लगता है। आप देख सकते हो, सारी पत्तियां नीचे वाली जो हैं ये ज़मीन में लगे तो कैसे ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी। वैसे बैंगन भी ज़्यादा मिलते हैं ज़मीन में, लेकिन गमलों में थोड़े कम मिलते हैं, कीड़ा भी इतनी जल्दी नहीं लगता। देखो, यहाँ पर भी बैंगन आया है, इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप बाज़ार से बैंगन खरीदना बंद कर दीजिए। घर पर और कुछ भी नहीं उगा रहे हैं तो बैंगन उगाइए, अगर खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल जो है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, वो बैंगन पर होता है। बैंगन की स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हैं। बैक टू टेरेस, और ये सफ़ेद बैंगन का पौधा है, इस पर इस तरह से लंबे वाले सफ़ेद बैंगन लगते हैं, ये भी हार्वेस्ट कर लिया मैंने। ये 14 इंच के मिट्टी के गमले हैं, पूरे टेरेस पर यही वाले गमले हैं मेरे पास। प्लास्टिक के गमलों में प्लीज़ अवॉइड कीजिए पौधे लगाना। जो पौधे हैं वो गर्मी के मौसम में बहुत दुखी होते हैं प्लास्टिक के गमलों में। इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, पौधे की नीचे से छटाई कर रही हूँ, मतलब जो पत्तियाँ ज़मीन को टच कर रही हैं या नीचे नीचे हैं उन्हें निकाल रही हूँ, काट रही हूँ प्रूनर की मदद से, जिससे कि पौधा नीचे से साफ़ दिखे, हवा का बहाव अंदर को जाए, पॉलिनेशन हो सके, ज़्यादा बैंगन आए। आपको भी ऐसे ही करना है। जब पौधा जो है वो अच्छी तरह से 15-20 सेंटीमीटर की हाइट ले ले, तो आपको इस तरह से नीचे से छटाई करनी है पौधे की, जिससे कि उसकी नीचे की जो डंडी है, जो स्टेम है, मेन स्टेम, वो अच्छी तरह से दिखनी शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो एनर्जी जो है पौधे की वेस्ट होगी और फल कम आएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो काला काला आपको गमलों में दिख रहा है, ये है ब्लैक गोल्ड कॉम्पोस्ट। ये मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देती। और ये सब पत्ते जो काटे, ये कहाँ जाएंगे, कचरे में, कंपोस्ट में, खाद में? आओ दिखाती हूँ। छत के इस हिस्से में मैं बनाती हूँ किचन के गीले कचरे से खाद, और पत्तियाँ भी उसी में जाएंगी। किचन के गीले कचरे वाला डब्बा भी मैं लेकर आई थी,
ये देखिए, इसमें आम के छिलके हैं और सड़ी गली सब्जियां, बची हुए कुछ भी खाना जो है सड़क की साइड पर जब आप बचे हुए चावल गिरा देते हैं या पौधों के आसपास जो है आप डालते हैं, तो वो पौधों को ख़राब करता है क्योंकि उसमें चींटियाँ आती हैं। तो खाना भी जो बचा हुआ है वो इसी में जाना चाहिए जो ख़राब हो गए हैं। तो ये गया किचन का गीला कचरा इसमें, और अब इसमें सूखी पत्तियाँ डालनी है, वो मैं यहाँ से आके लेती हूँ। ये जा रही है सूखी पत्तियाँ। आप भी घर पर खाद बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखिए, मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने बताया है कैसे कैसे क्या करना है। सीधा किचन का कचरा डालने से खाद नहीं बनेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरी नज़र कहाँ जा रही है, मेरी नज़र जा रही है पीछे वाली रोड के पास, और मैं देख रही थी वहाँ बहुत से पेड़ हैं, अगर सूखी पत्तियाँ और मिल जाए तो वहाँ से ले आऊँ क्योंकि पत्तियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जब आपने बैंगन के पौधे की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दी है, नीचे से स्टेम नज़र आनी शुरू हो गई है, तो अब टाइम है इसे हेलमेट पहनाने की। प्रोटेक्टिव कवच बहुत ज़रूरी है। नीम के तेल का स्प्रे कर रही हूँ मैं। नीम का तेल जो है वो 5 ml नीम का तेल 1 liter पानी में, साथ में कौन सा पानी, गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, और साथ में 4 से 5 बूंदें लिक्विड सोप या शैम्पू की वो डाली है, अच्छी तरह से मिलाया है और पौधों को दे दिया है। इससे क्या होगा, हानिकारक कीट पतंगे पौधे से दूर ही रहेंगे। गर्मी के मौसम में हर 15 दिन में मैं सभी पौधों पर ये स्प्रे कर देती हूँ। अगर आपके पौधों पर ऑलरेडी कीड़े लग गए हैं तो 5 ml की बजाय इस सॉल्यूशन में नीम ऑयल जो है 10 ml कर दीजिए। अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल, ब्रिंजल, एग प्लांट, बैंगन सब्जी है या फल? हाँ, हम उसे खाते सब्जी की तरह हैं पर असली में वो क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि बैंगन को सबसे पहली बार कहाँ उगाया गया था? रिकॉर्ड्स में, हिस्ट्री में लिखा जाता है ना कौन से देश में, कौन सी जगह पर, तो कहाँ उगाया गया था उसका जवाब लिखिए, अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना। अभी मैं हूँ टेरेस पर और हर्ब गार्डन दिखता है ऐसा। हर्ब गार्डन में कौन सी जड़ी बूटियाँ और मसाले आप उगा सकते हैं उसका वीडियो देखिए, और इसके पीछे गार्डन है। एक और सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बैंगन को हार्वेस्ट करने के बाद जब आपने उसे पकाया तो कड़वा स्वाद आया, वो इसलिए आया क्योंकि आप हार्वेस्टिंग में लेट हो गए। यानी आपको ये वेट नहीं करना है कि बैंगन और बड़ा हो जाए और बड़ा हो जाए। बड़ी बड़ी सब्जियों के साथ ना ज़्यादा खुश नहीं होना है। बैंगन का साइज़ जब ठीक हो गया है, टच करने में फर्म है, आपको हार्वेस्ट कर लेना है। उसमें बहुत ज़्यादा बीज बन जाएंगे, वो कड़वा हो जाएगा, बड़ा शायद हो जाए। पिछले हफ्ते की वीडियो में पूछे गए सवालों के कुछ और लोगों ने भी सही जवाब दिए थे, तो कुछ और शाउट आउट्स देना चाहूँगी मैं। मिनाती प्रभा हैदराबाद से, अलीज़ा MP से, बाला देवनगर दिल्ली से, मुकुल देव सिंह तोमर दिल्ली से, बहुत बहुत बधाई हो। अगले फ्राइडे की वीडियो में शाउट आउट के लिए तीसरा सवाल ये है कि इस टोकरी में कितने बैंगन हैं जो मैंने हार्वेस्ट किए हैं, जल्दी से गिन लीजिए और नीचे लिख दीजिएगा। जाते जाते यही कहना चाहूँगी, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है, अगर आप बागवानी शुरू कर रहे हैं, गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूँगी अगले फ्राइडे। बाय बाय।